जिंदाबाद। कष्ट फसलों का कष्ट फसलों का बीमा क्लेम दो, हर पंचायत मुख्यमंत्री वो साला खोलो, किसानों का कर्ज माफ करो, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये जो धरना चल रहा है किन किन बातों को लेकर चल रहा है? किसानों को एक तो मुआवजा है, नष्ट फसलों मुआवजा, नष्ट फसलों बीमा क्लेम। अच्छा, कितने दिन हो गए आज आपको? आज मैं छठा दिन है। 18 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें हर रोज 2 ग्राम पंचायत बैठते हैं, बारी बारी से बैठ रही है पंचायत। आज किस पंचायत का नंबर है? मऊ और महुआ। आप कहाँ के रहने वाले हो? मऊ। मऊ से कितने काश्तकार आए? काफी इतने बैठे सारी मऊ के। अभी हो रहा नहीं की संभावना, मतलब आएंगे शाम तक अभी तो। आज जो किसान धरने पे बैठे हुए किन किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं किसान? फसल बीमा मुआवजा और बीमा क्लेम, और हर पंचायत में गौशाला, क्योंकि राज्य सरकार जब चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम एक वर्ष में ही हर पंचायत स्तर पर गौशाला, नंदी गौशाला खोल देंगे, और हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। इस सरकार ने जो अगली सरकार ने जो सरकारी का जो कर्ज था उस सरकार ने कर दिया था, और उसी ने इसी सरकार ने भी उसी के ऊपर लेकर उसमें किसानों का लिपापोती कर दी गई है, ताकि किसानों की हर बैंक से किसान कर्ज माफ होना चाहिए। जब किसानों की रात मिलती तो वो किसानों को रात होनी चाहिए, उनके लिए कर्जा माफ होना चाहिए, और बीमा क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि फसल नष्ट हुई है अगले साल, इसका अभी तक कोई बीमा नहीं मिला है। जबकि किसानों का इन्हें जो केसेस के टाइम पे पैसे काट लिए जाते हैं और उसका कोई क्लेम नहीं मिला। फसल बीमा की जो ये काटते हैं प्रीमियम राशि, पूछ के काटते हैं, बिना पूछे काटिए आप? बिना पूछे काट लेते हैं लेकिन बीमा नहीं देते। 2 साल का बीमा अटका हुआ है आपका? हाँ, 2 साल का बीमा अटका हुआ है, और जब भी जाते हैं बैंक वाले अपने आप ही काट लेते हैं, और ये कहते हैं मिला तो भी है। आप कहाँ से हो? हम ग्राम मुंडली पंचायत महुआ से। आपका नाम? लेखराज मीणा।